हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बहुपद। बहुपद में हम पढ़ेंगे कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है, कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद है, कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद है, कौन सा बहुपद अचर बहुपद है। आज हम पहचानना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है एक्स घात 3 प्लस एक्स घात 2 प्लस एक्स धन 1। ये आपका दिया हुआ है x घात 3 धन एक्स स्क्वायर धन एक्स धन 1 दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे चर राशि का घात कितना है, अधिकतम 3। तो अधिकतम घात कितना है, 3। तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, तो इसको त्रिघात रैखिक समीकरण त्रिघात समीकरण बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हम इसका अधिकतम घात कितना प्राप्त हुआ, 3। तो इसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद क्या है, तो त्रिघात बहुपद वह बहुपद है जिसमें चर राशि का घात कितना हो, 3। चर राशि का घात कितना हो, 3, उसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पर चर राशि का घात कितना है, 3। दूसरा प्रश्न की ओर जाते हैं, 9 एक्स घात 3, यहाँ चर राशि क्या है, एक्स है, घात कितना है, 3। अतः इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे, है ना। ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि चर राशि का घात कितना है, 3। अगला प्रश्न तीसरा की ओर जाते हैं, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/4, इसमें चर राशि क्या है, y है, y का घात कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर चर राशि का घात 2 दिया है, तो इसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद वह बहुपद है जिसमें चर राशि का घात क्या हो, 2 प्राप्त हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर चर राशि क्या है, वाई, वाई का घात कितना है, 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। अगला प्रश्न दिया है, चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं, टी प्लस 3, यहाँ पर चर राशि क्या है, टी, इसका घात कितना है, 1। तो चर राशि, वह चर राशि जिसका घात 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इसमें क्या है, घात 1 है, इसके क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या है, वह बहुपद जिसमें चर राशि का घात क्या है, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, पांचवा प्रश्न है, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स का घात कितना है, 2, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। छठवा प्रश्न क्या है, एक्स प्लस 2/3, इसमें घात 1 है, एक्स घात कितना, 1, तो इसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। और यहाँ पर सातवां प्रश्न दिया है, -3/7, इसमें चार राशि नहीं दिया है, है ना, चर राशि नहीं दिया है, तो इसे क्या बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। इस प्रकार हम आज के टॉपिक में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, अचर बहुपद क्या है और किस प्रकार पहचाना जाता है आज हमने सीखा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यह टॉपिक क्लास 9 सीजी बोर्ड CBSE अदर एग्जाम के लिए क्या है, IMP है।